तुपक की तर्जमा गन 2012 की हिंदुस्तानी तमिल जबान की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे A.R. मरुगा दास ने लिखा और हिदायतकारी की है। वी क्रिशंस के काली पिल्स एस थानू की तरफ से प्रोड्यूस करदा इस फिल्म में विजय और काजल अग्रवाल, सत्या विद्यो जमवाल, जय राम, मनु बाला और जाकिर हुसैन के साथ मावन किरदार अदा कर रहे हैं। ये हिंदुस्तानी फौज एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जगदीश के गिर्द घूमती है जो सेल के जरिए किए गए हम धमाके को देखने और बमुश्किल फरार होने के बाद एक स्लीपर सेल को तलाश करने, तबाह करने और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। 13 नवंबर 2012 वक्त चल रहा है। 170 मिनट मुल्क इंडिया जीबान तमिल भाषा फिर 121 करोड़ पे बनी थी। ये प्रोजेक्ट जिसने विजय और मृगुदास के दरमियान तआवुन का आगाज़ किया जुलाई 2011 में रिपोर्ट किया गया था और फिल्म के अनुमान का बाकायदा ऐलान इसी साल दिसंबर में किया गया था। प्रिंसिपल फोटोग्राफी जनवरी 2012 में शुरू हुई थी और अक्टूबर में ख़त्म हुई। फिल्म बंदी ज़्यादातर मुंबई में हुई सिवाय दो गानों के जो बिलतरतीब बैंकॉक और स्विट्ज़रलैंड में लिए गए थे। फिल्म का साउंड ट्रैक हार्स जयराज ने तरतीब दिया था जिसे के सिनेमा फोटोग्राफी बुनियादी तौर पर संतोष शिवन ने की थी और एडिटिंग ए शरकर प्रसाद ने की थी। तुपक की 13 नवंबर 2012 को दिवाली के मौके पर रिलीज़ हुई थी और इसे जीमनी फिल्म सर्किट ने तकसीम किया था। फिल्म मुतअद्दिद तनाज़ुआत से गुजरी, बच्चों और इस्लामी फरंगी ग्रुपों के एहतजाज जिन्होंने फिल्म में इस्लामी कम्युनिटी की तस्वीर कशी पर एतराज़ किया, इसके बावजूद इसे ज़्यादातर मजबूत जायजे मिला और इसने अपनी रिलीज के मौके पर 10 दिनों के बाद 100 करोड़ रुपये कमाए और 2023 में $24 मिलियन भी कमाए। एक बड़ी तजारती कामयाबी हासिल की मुख्तलिफ तारीफें हासिल करने वाली फिल्म ने ब्रांच के साथ फिल्म फेयर अवार्ड साउथ नावल्टी हासिल की लेकिन किसी भी जुमरे में कामयाबी हासिल नहीं की। 2014 में ये फिल्म हिंदी में हॉलीडे द सोलर सोल्जर ऑन नेवर हॉलीडे के नाम से मशहूर गई थी। उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छी लगी। अगर वीडियो पसंद आई आप सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।